हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम विशाख है, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीट कार्स एंड बाइक्स। तो आज का वीडियो में हम टाटा नैनो का इंजन ऑयल को चेंज करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए क्या करना है अभी आपको बता के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग को इंजन ऑयल चेंज करने के लिए सबसे पहले गाड़ी का पीछे का इस डोर को हटाना पड़ेगा और साथ ही साथ अंदर का जो बेस प्लेट रहता है उसको भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद हम लोग को क्या करनी है, आपको अगर इंजन की तरफ आएंगे तो नीचे तरफ आप लोग देख सकते हैं ये वाला एक बोल्ट है। ये इस बोल्ट को निकालने से इस सम से पूरा ऑयल बाहर निकल जाएगा। तो अब पूरा ऑयल ड्रेन होने के बाद हम लोग को ऊपर से फिलिंग करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो येलो कलर लिड है इसको ओपन करके हम लोग को इंजन ऑयल फिल करनी होगा। इंजन ऑयल फिल करते समय आप लोग देख सकते हैं साइड में राइट साइड का एक गेज है, इंजन ऑयल ऑयल लेवल चेक करने का गेज है। उस गेज को हम लोग ओपन करके रखना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं मैं ऑयल कौन सा डाल रहा हूँ, प्रीमियम क्वालिटी वाला ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें लगभग 2.5 लीटर्स का ऑयल इसमें लगेगा। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग एक बार ऑयल गेज में ऑयल लेवल कैसा है बोल के एक बार चेक करके अगर ठीक ठाक है तो हम लोग काम बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे आदमी ये भी बोल सकते हैं कि ऑयल फिल करने के लिए पीछे का डोर खोलने का जरूरत नहीं होता, सिर्फ बेस प्लेट को हटाने से काम हो जाएगा बोल के। लेकिन मैं क्या सोचा, अगर सीट में भी थोड़ा सा भी ऑयल गिरने से और स्पिलेज होने से पूरा सीट खराब हो सकता है, इसलिए मैं क्या किया बाहर का के बाहर से ही इंजन ऑयल फिलिंग करने के लिए वो लोग को बताया था। तो अगर आप लोग को मेरा इस वीडियो पसंद हुआ है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।